हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मान। वेलकम टू मूवी शो। अभी मैंने एक बहुत ही इंस्पायरिंग सी सीरीज डॉक्यूमेंट्री टाइप देखी है, नेटफ्लिक्स के ऊपर है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। तो मुझे लगा इसके बारे में मुझे बात करनी थी आपके साथ, क्योंकि बहुत से लोग डॉक्यूमेंट्री का नाम देख के ना कट जाते हैं, लेकिन नेटफ्लिक्स ने जिस तरीके से डॉक्यूमेंट्रीज को ट्रीट करना शुरू कर दिया है ना, वो बहुत ही हाईली एंगेजिंग होती है, उसके अंदर बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग होती है, उसके अंदर पर्पस होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक वेब सीरीज की तरह ही देख रहे हो, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखें। और इस सीरीज का नाम है, डॉक्यूमेंट्री सीरीज का नाम है, 14 पीक्स, नथिंग इज इम्पॉसिबल। और ये दोस्तों ऐसे एक इंसान की कहानी है जो कि करीबन 14 पीक, जो 8,000 मीटर से ऊपर है, उनको जीतने की चाह रखता है। तो क्या वो जीत पाता है कि नहीं जीत पाता है, उसके मोटिवेटर्स क्या हैं, वो फंड कैसे रेस करता है, उसके घर की सिचुएशन क्या है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। और जब आप ये देखोगे सीरीज़, तो आपको ये दिखेगा कि किस तरीके से एक के बाद एक वो माउंटेन जब चढ़ रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, और वो कैसे लोगों को भी मोटिवेट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा स्केरी जो चीज़ हो जाएगी ना भाई साहब, वो है डायरेक्शन। क्योंकि एक तो पहले इसको एक ऐसा नरेशन दे देना जो आपको एंड तक भी बांध के रखे, होगी एक पीक के बाद आपको लगेगा यही चैलेंजेस है, सेकेंड में दूसरे चैलेंजेस, थर्ड फोर्थ, तो जो सीट से हिलने ना वैसे ही वाली नरेशन हो, और ऊपर से कैमरा वर्क यार, मतलब ड्रोन शॉट्स ले लो, बॉडी कैमराज ले लो, वो गोप्रो टाइप के कैमराज जो होते हैं, सब चीज़ों का मिश्रण किया गया और कई एंगल से इसको लिया गया है। और आपको खुद को ऐसा लगता है कि मैं नीचे देख रहा हूँ तो मुझे डर की फीलिंग आ रही है। ज़बरदस्त तरीके की फोटोग्राफी है इसके अंदर, इतना सीनिक है यार, मतलब ऐसा लगता है कि नेचर ऐसी जगहों पर ये भाई साहब जा रहे हैं जो कि बिल्कुल अनटच्ड है। एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर देखी गई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि ये वेब सीरीज की तरह भी आप देख सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जो पर्पस है इस आदमी का, ये नेपाली है और इनका नाम है निम्जदाई, और ये सब विनिंग के जो पर्पस है इनका, ये सिर्फ सेल्फिश नहीं हो रहे हैं कि भाई मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि मैं ये सब चीज़ें कर सकता हूँ, विन कर सकता हूँ, बट ये चाहते हैं कि इनका जो नेपाल, जो इनकी कंट्री है, वो वर्ल्ड मैप में इनके नाम से पहचाना जाए, ताकि रिकग्निशन मिले कि यहाँ पर भी टैलेंट है। तो ये बहुत ही बड़ी कोई चीज़ करने निकले हैं, ये ऐसे 14 पीक्स को जीतने निकले हैं, चढ़ने निकले हैं, जो पहले 7 साल में हुए ये 7 महीने में करके दिखाते हैं। तो ये इतना बड़ा जो फीस्ट होता है और इतना बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग जो रिकॉर्ड होता है, उसको करने के लिए आप जो होते हैं बिल्कुल ही ग्लू हो जाते हो, तो हैट्स ऑफ यार। मैं तो कैमरामैन की हिम्मत की दाद देता हूँ कि किस तरीके से किया। वो जो वाइल्ड वाला जो सीरियल आता है, उसके अंदर भी डिस्कवरी के ऊपर, उसमें भी कैमरामैन की हिम्मत ज़्यादा होती है हंट से ज़्यादा। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। और इस क्वेस्ट का नाम भी जो है निम्जदा है, वो रखता है प्रोजेक्ट पॉसिबल। तो अंदर का जो जज्बा है कि भाई कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, वो बहुत अच्छा दिखाया गया। और जो मैं आपको बोल रहा था कि वेब सीरीज़ का ही रूपांतर है, तो जो उसकी लाइफ में पर्सनली चल रहा होता है, जो उसकी एलिंग मदर की कहानी यहाँ पर भी साथ में जोड़ी जाती है, तो बहुत सारे पर्पस आ जाते हैं। एक तो सेल्फ अचीवमेंट का है, दूसरा माँ के लिए कुछ करने के लिए है, तीसरा देश के लिए एक मुकाम डालना वर्ल्ड मैप के ऊपर, वो भी है। तो काफ़ी पर्पसफुल मेरे को लगी। और नीडलेस टू से आप काफ़ी सारे जारगन्स वगैरह सीख जाएंगे, अगर माउंटेनियरिंग में अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको लगेगा, अगर नहीं भी है तो आप बोलोगे कि यार छोटी मोटी पीक्स तो मैं भी चढ़ने की कोशिश कर सकता हूँ। मैं तो नहीं चढ़ सकता हूँ, मेरे को काफ़ी भयंकर साइनस है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बट अगर आपको नहीं है, आपकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी है, तो आप मेरे ख्याल से ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हो गए। मुझे विजुअली बहुत ज़्यादा स्टनिंग लगी, तो मेरा मूवी शो भी स्कोर इसके लिए रहेगा ए। डू वॉच इट एंड शेयर योर फीडबैक इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, और यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, वेयर माई हैंडल इज मूवी शूवी अगेन। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।